Now let us discuss question based on similar polygons. We have two polygons, ठीक है, हमें सभी की sides की length given है और angles given है. देखो ध्यान से, angle B equal to angle Q and angle R equal to angle C and angle D equal to angle S and angle T इक्वल टू एंगल ई. ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वली होगा. ठीक है, यानी एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी, क्योंकि साइड्स की लेंथ क्या है हमारे पास, सभी की गिवन है, ये थ्री है, यानी बी सी थ्री है, तो क्यू आर कितनी है हमारे पास, 4.5. अब देखो ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, यानी 4/6, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3. सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 3/4.5. अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट ये 30, ठीक है, 15 टू जा 30 एंड 15 थ्री जा 45, 2/3. डी सी बाई आर एस 4/6, अगेन 2/3. ठीक है, यानी सभी साइड्स के जो रेशो हैं वो भी प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, यानी कि साइड्स एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं. ठीक है, और उनके रेशोज भी क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे, यानी कि सिमिलर पॉलीगन बोल सकते हैं हम इनको. आई होप ये समझ आया होगा इस एग्जांपल से सभी को, कि सिमिलर पॉलीगन्स को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे जज करना है कि ये सिमिलर फिगर है या नहीं है. ठीक है.